चल चलने दे। बस दो ही निकली। चल अब तू चल। मारी वाली चल। कृष्णा, ओ कृष्णा, जा तेरा पापा तारे ढूंढी रही है। वो तो भूल ही नहीं हो, बाहर तो शेर जाना था। चल जा ही रही हूँ मैं। जल्दी कर। बेटा, एक बार फिर तू सोची ले, तू शहर जाई ने करेगो भी कई, शहर अच्छे अच्छे को राज नहीं आयो। अरे भाई, फसला सारी बर्बाद होगी, सरकार भी मुआवजा नहीं दे रही, ने वो पटेल आए दिन पैसा मांगने पीछे पड़ी हो रहे। ठीक है बेटा, किसना ने अच्छे स्कूल में पढ़ानो तो दूर, खानो खिलानो भी मुश्किल हो रही हो। अच्छा खुश रहो बेटो। हाँ भाई। देख भाई, तू समझ, शेर जाऊंगा, मेहनत मजदूरी करांगा, ने कुसुम भी घरे घर जाई ने रोटी बनाने का काम ढूंढी लाएगी, ने किसना ने अच्छे स्कूल में पढ़ाई दांगा। ठीक है बेटा। और हाँ भाई, कभी अच्छा स्कूल में नहीं पढ़ा पाया तो दो टीम की रोटी तो अच्छे से खिला पाऊंगा, समझी? ठीक है बेटा। ए बंदा, कहाँ कर रहे इतनी देर से? कहीं नहीं, कंचा खेल रहे थे। चल जा, जल्दी जा, माता का जा। गया थे तू? कंचा खेल गया तो। तारे माला में नहीं आ जा, बस शेर जा ही रहा। माला में नहीं? तो फिर क्यों गया था? भूल गई थी मैं तो। अरे कुसुम, तमन्ना, कितना हॉर्न बजाते हो, वक्त लगता है। कितना? पगे लगू भाई, जा ही रही हूँ, तुम ध्यान रख जो अपनो। पैर पड़ भाई का, मैं बोल के ध्यान रख जो। ध्यान रख जो। चल। लास्ट वाला असाइनमेंट ना मैंने मेल कर दिया था आपको। जी जी जी। हाँ सर, थोड़ा मैं बाहर आया था, वाइफ के साथ पिकनिक जा रहा था। जी जी। नहीं नहीं सर, मांडव नहीं, एक्चुअली वही थोड़ा पास में। ओके, हाँ सर, मंडे को मिलते हैं। जी जी। क्या यार, गांव जैसी ही जगह मिली थी क्या तुम्हें पिकनिक के लिए? ठीक से बता भी नहीं पा रहा हूँ ऑफिस। रियल इंडिया तो वही है, इसलिए इस बार सोचा कि कुछ अलग जगह जाते हैं, और आजकल के समय में गांव ही है जो हमें नेचर से जोड़ता है। अच्छा,
दिल्ली कब जा रही हो? दिल्ली क्यों? अरे भाषण देने में नेता लोगों की हेल्प हो जाएगी। ज्ञान दे रही हो। कमरों किराए पे लेना है। संजू भैया कहाँ रहे? संजू भैया? हाँ वो वहाँ रहते हैं। धन्यवाद बाबू जी, चलते हैं। चल हाँ, हेलो संजू भैया, कमरों किराए से लेना है। कमरा चाहिए? जी हाँ सर। नजदीक का गांव से? ठीक है आऊंगा। कमरा तो दे रहा हूँ। जी बाबू जी। भाड़ा टेम पे चाहिए? जी बाबू जी। तू यहीं रुक, हूँ आ रही हूँ। आलू के पराठे खा लेना। ठीक है दीदी। यहाँ सिगरेट पीना अलाउ नहीं है सर? सिगरेट नहीं है, ये वैप है। कुछ भी हो गाड़ी आगे कीजिए। हाँ हाँ ठीक है। हेलो हेलो तमन्ना, कितना वेट करवाती हो यार, जल्दी आओ ना प्लीज। आ रही हूँ बाबा, वेट। हो हो क्या हो गया, इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं यार, वही ऑफिस का टेंशन। मंडे को वापस बॉस के साथ जाना है बाहर। मंडे? नए प्रोजेक्ट के लिए। बहुत टाइम है अभी मंडे को। चलो ना विवी, कल हम कहीं घूमने चलते हैं। नहीं, कल तो मेरा मस्त मैच देखने का प्लान है। हमेशा तुम ऐसे ही करते हो। अरे यार लास्ट संडे गए तो थे बाहर। अच्छा बाबा चलते हैं, पर एक शर्त पर। क्या शर्त? अगर तुम्हारे हाथों की कुरकुरी भिंडी मिल जाए तो। हाँ बिल्कुल डन, आखिर में सब्जी वाला दिखे तो रोक लेना। हाँ पटेल साहब। हाँ कही। दही दियो आपका, कल जो भी दही दूंगा। कंधे को डेढ़ साल तो हो गया। पटेल साहब आप समझो मेरी बात को। कहीं समझो लगा तो पटेल साहब, एक मिनट लगाइए। अरे कितनी बार बोलियो कि तू धंधा से दूर रिया कर, ने बस पढ़ाई पे ध्यान दे। पढ़ लिख के कहीं बनो कि नहीं बनो, चल जा। गजब इंसान हो यार, मदद ही तो कर रहा था बेचारा। साहब मैंने बहुत कुछ सहो है, इससे अपना पेट पाली रहा हूँ। ये मारे पतो है, मारी कितनी रात भूख का पेट गुजरी है, ये तुम्हारे नहीं मालूम। मेरी चौकी इनके साथ भी यूं ही हो है। मेरी चौकी ये भी किसान बने, हल जोते, ये सब्जी बेचे। साहब पढ़ी लिखी ने 10-12 हजार की नौकरी तो मिली जाएगी। तो है, निकाल दो है ना। हेलो सर। हाँ हाँ बस यहीं आया था।
ऑफिस से लौटा ना? हाँ सर ओके। अरे काका आधा किलो भिंडी कर देना। किसने देख थारा ले कई लाई? अरे वाह आलू पराठा। और आलू कैसे दिए? तीस रुपए किलो बाबूजी। अरे 25 के लगाओ ना, 2 किलो चाहिए। नहीं बैठेगा बाबूजी। मार्किन ने अरे ठीक से लगा लो यार बाबूजी, 25 के नीचे नहीं बैठेगा। इनका यही नाटक है। चलो आगे से ले लेंगे। अरे ले लो ना। अरे 50 रुपए देगा, 2 किलो कर दो। साहब नहीं बैठेगा साहब। ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले। बाबूजी 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 ये लो बाबूजी 50 के 2 किलो। ठीक है बाबूजी। देखा ये लोग ना ऐसे ही मानते हैं। हाँ मीटिंग में वो थोड़ा आस था ना। हाँ 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 चलिए ठीक है। हाँ हाँ करते हैं ठीक है चलिए बाय। जी जी तो हो गई क्या भैया वो सब्जी? हाँ बाबूजी दो। ये लो बाबूजी। कितने हो गए? 125 रुपया। क्या यार 125? खुले नहीं है यार, रखो ना। साहब ये तो 100 ही रुपया। हाँ ठीक है यार, उनको भी तो रेट से लगा के दिए ना तुमने। अरे रखो 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 पड़ेगा पड़ेगा। अरे रखो रखो हो जाएगा सब। चल बेटा हूँ जा रही है नी। कहीं हुई क्यों तुम्हारा मुंडा उतरे उतरे लागी रहे? पटेल को फोन आयो थो, पैसा मांगी रही थो, या कोरट जाने की धमकी दे दियो थो। किसना ने भी दाखिलो करवाणो, मारे तो कहीं समझ में ही नहीं आया। अरे तुम फिकर क्यों करो? सब्जी बेचिरन हूँ, काम पे भी तो जा रही हूँ। फिकर नहीं करूँ तो कहीं करूँ? आधा भाव में ले लिया लोग सब्जी, ढंग से लागत भी नहीं आई रही, कैसे दांगा पटेल को कर्जो? अरे भगवान की दुआ हुई तो पटेल को कर्जो भी चुकी जाएगा। जा तो छोरा ना लेके जा। चल रे किसना चप्पल पे, तुम टाइम पे आई जाओ घरे। चार साल हुई गया मारा लिए एक साड़ी तक नहीं खरीदी। तू शेर भागी क्यों था? थारे कहीं लगी हो कि मैं मारा पैसा भूली जाऊंगा? अरे थारा हलक में से पैसा निकाली लूंगा। हमारो किसना बड़ा स्कूल में कदे जाएगा? देख भाई तू समझ, शेर जाऊंगा मेहनत मजदूरी करांगा, किसना ने अच्छे स्कूल में पढ़ाई दांगा। पापा आई गया? हाँ बेटा आई गया। देख थारे आज तक कहीं लायो? कहीं लाया? अरे चॉकलेट। जा 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 खा ले तेरी महीने दे। पापा किताबा ले दूंगा नी। हाँ जा। ए बैठ, देख थारे लिए कहीं लायो। कहीं लाया? बैठ बैठ, देख चूड़ियाँ। चूड़ियाँ ले ले ले। नब्बे नहीं ले, नब्बे। तुम खाना तो खाई लो पहला। पहला तू खा। विवेक उठो ना। सोने दो ना।
11 बज चुके हैं, चलो ना आज कहीं घूमने चलते हैं। हाँ, मूड नहीं है। पता है मुझे तुम्हारा मूड क्यों नहीं है? मैच है ना तुम्हारा आज। अच्छा, कुछ खाने में बना रही हो क्या? मेरा भी मूड नहीं है। अरे अच्छा, ऑनलाइन ऑर्डर कर दें? मुझे नहीं खाना। पिज्जा भी नहीं? नहीं। अरे मैं फिर अपने लिए ऑर्डर कर दूं, चीज पिज्जा। अच्छा ठीक है, बिजली गार्लिक ब्रेड ऑर्डर कर देना। एज यूजुअल। सर पार्सल था। हाँ विवेक। हाँ विवेक शर्मा। यस। कितना हुआ? सर 470 रुपये। हाँ कीप द चेंज। थैंक यू सर। वेलकम सर। हाँ रेटिंग कर दीजिएगा। हाँ थैंक यू सो मच। Traditional sweep. Billings looks to square leg. Who's gone upstairs? He looked confident too, Billings. हर वक्त क्रिकेट, अब तो चैनल चेंज कर दो। ब्रेक चल रहा है, न्यूज लगा दो, देश का हाल ही जान लो। अरे क्या ही जाने, सब वही झूठी झूठी खबरें दिखाते रहते। देश में किसानों की आत्महत्या लगातार बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी वर्षा के कारण फसलें हुई बर्बाद। देखा गरीबी ये सब महाराष्ट्र में झूठी खबरें दिखाते हैं। सब मांगे पूरी करवाने के तरीके हैं लोगों के। अरे कोई किसान इंसान नहीं मरता। तुम्हें क्या पता कोई फेक न्यूज क्यों दिखाएगा। अरे ये सब किसान कितने अमीर होते हैं, बहुत पैसा होता है इनके पास। और आज फिर एक सनसनीखेज खबर हमारे बीच आई है। वही कहानी दोबारा दोहराई गई है कि मध्य प्रदेश के एक बड़े शहर इंदौर में गरीबी के चलते खुद के परिवार को संभालने में असमर्थ सब्जी बेचने वाले किसान ने की आत्महत्या। सिर्फ हम ही नहीं, पूरा देश भी यही सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार किसानों की आत्महत्या का गुनहगार सब्जी वाला है ना? सरकार या हम? वही सब्जी के साथ लेकर चलते हैं आपको उस किसान के घर। शर्मानी चाहिए सरकार को। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए जब कल तुम आलू लेते समय 30 रुपए किलो के 25 रुपए दे रहे थे। सरकार के सोचने से कुछ नहीं होगा। देश का हर एक इंसान किसान की हेल्प कर सकता है। तुम्हें पता है विवेक, हमारा भारत कृषि प्रधान देश है जिसकी सबसे ज्यादा संख्या किसान है। किसान वो है जो सबका पेट भरकर खुद भूखा सोता है। और जब एक किसान मारा जाता है ना तो उसके परिवार पर क्या गुजरती है कि तुम समझते हो? किसान है तो हम है। ठीक है यार, अब ज्ञान मत हो, मैं देखा तो मुझे। वैसे तुमने आज कुछ ज्यादा ही टकने दी थी उस वेटर को। सिर्फ 150 रुपए तो दिए, अब तुम्हारे लिए तो क्या जान भी हाजिर है। तुम है ना, चलो अब। साहब आलू ले लो साहब, 30 का 1 किलो, 50 का 2 किलो लगा दूंगा साहब आपको। साहब साहब आलू ले लो साहब।
नहीं बेटा, रख लो रख लो रख लो रख लो। मम्मी। हाँ कृष्णा। ये साहब के 50 रुपए रह गए थे, ये वाले दे दे। नहीं नहीं नहीं, देखिए हम आपका दुख मिटा तो नहीं सकते, पर बांटना जरूर चाहते हैं। कृष्णा के पिताजी चाहते थे कि वो कभी भी उनकी तरह किसान नहीं बने, बल्कि पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने। हम बस आपकी सहायता करना चाहते हैं। तमन्ना, ये आपके स्कूल शूज, आपकी स्कूल यूनिफॉर्म, ये आपकी बुक्स। धन्यवाद साहब, भगवान आपको भलो करे। जा साहब का पैर छुए क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, आज से कृष्णा की पढ़ाई का खर्चा हम मिलकर उठाएंगे। धन्यवाद मैम साहब। अच्छा, तुम्हारे लिए और भी कुछ है हमारे पास? अरे वाह, आलू पराठा।